कंपनीज ने तो रिक्रूट करना फिर से स्टार्ट कर दिया है, बट भैया मेरे को समझ ही नहीं आ रहा है कि मैं कहाँ जाके कैसे अप्लाई करूँ। मेरे को आधे टाइम मैं अप्लाई करता हूँ ना, मेरे को टेस्ट लिंक आता है ना, मेरे को रिक्रूटर का मेल बैक आता है ना, अगर मैं किसी को मेल कर रहा हूँ कॉल कर रहा हूँ तो रिप्लाई नहीं करते हैं। सो हाउ टू गेट रेफरल, हाउ टू अप्लाई टू अ कंपनी, कैसे कौन से वेज होते हैं, कैसे किसी की अटेंशन ग्रैब करनी है, बहुत सारी चीज़ें आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। इसके अलावा इफ़ यू आर समवन जिसने ऑन कैंपस में ट्राई किया बट उस टाइम इतने ज़्यादा अच्छे से प्रिपेयर्ड नहीं थे एंड ड्यू टू दैट रीज़न आप ऑन कैंपस नहीं लाइक निकाल पाए जॉब या इंटर्नशिप, सो दिस इज़ द वीडियो फॉर यू, स्टिक टिल द एंड। बहुत सारी अमेजिंग इन्फॉर्मेशन आपको मिलने वाली है, ये आप सुनोगे तो आपको पता चल जाएगा कैसे आपको ऑफ कैंपस अप्लाई करना है, कैसे आपको रेफरल्स के लिए लाइक अप्रोच करना है, कैसे आपको रिक्रूटर्स को ढूंढना है, बहुत सारी और भी चीज़ें। सो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाय गाइस, आई एम निशांत सर, आई एम करंटली वर्किंग एज सॉफ्टवेयर इंजीनियर एट माइक्रोसॉफ्ट एंड मैंने जो माइक्रोसॉफ्ट निकाली थी दैट वाज ऑफ कैंपस, ठीक है, उसकी स्टोरी पूरी मैंने काफ़ी वीडियोस में आपके साथ शेयर करी हुई है तो उसके बारे में बिल्कुल बात नहीं करेंगे। सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जब आप ऑफ कैंपस अप्लाई करने जाते हो तो आपको एक सोशल मीडिया प्रोफाइल चाहिए होती है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ वही है एंड इसके साथ आपका रिज्यूम है। सो दो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं व्हेन यू स्टार्ट अप्लाइंग ऑफ कैंपस। सो नंबर वन इज़ योर प्रोफाइल ऑन लिंक्डइन, आपको अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल को काफ़ी अच्छे से अपडेटेड रखना होता है। आप कोई भी कोर्सेज करते हैं, आप कोई भी प्रोजेक्ट्स बनाते हैं, आप कुछ भी करते हैं तो आप लिंक्डइन प्रोफाइल पे डालते रहें। अब लिंक्डइन प्रोफाइल अगर आपने अभी तक पहले कभी सुना ही नहीं था लिंक्डइन क्या होता है, सो एक वीडियो इसके ऊपर बना देंगे जल्दी, यू कैन डेफिनेटली नो कि कैसे किलर लिंक्डइन प्रोफाइल बना सकते हैं, वहाँ पे आपको पता चल जाएगा। एंड अगर आप अभी प्रिपेयर्ड ही नहीं है, डीएसए वगैरह नहीं कर रखा है यार, मतलब कोडिंग बिल्कुल करी नहीं है बट करनी है, सो हमने एल्गो प्रेप अभी रिसेंटली लॉन्च किया था, इफ़ यू डोंट नो अबाउट इट algoprep.in जाके बिल्कुल चेकआउट कर सकते हो, उसमें आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। द कोर्स इज ऑलरेडी लाइव बट द एनरोलमेंट्स आर ओपन फॉर सम टाइम, उसके बाद फिर हम विल स्टॉप द एनरोलमेंट, सो अभी यू इफ यू वॉन्ट टू जॉइन द कोर्स यू कैन डेफिनेटली चेकआउट एंड जॉइन द कोर्स। अब देखिए लिंक्डइन प्रोफाइल की बात हमने कर ली, आपको सबसे इंपॉर्टेंट प्रोफाइल जो चाहिए वो चाहिए लिंक्डइन प्रोफाइल, इसके साथ आपको रिज्यूमे बहुत अच्छा चाहिए। अब कुछ लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे कि यार ऑन कैंपस ऑफ कैंपस एक्जैक्टली होता क्या है। सो ऑन कैंपस क्या होता है, इफ यू आर फ्रॉम अ गुड कॉलेज, अगर आप किसी IIT NIT में हो या फिर किसी टीयर वन कॉलेज में हो, कुछ टीयर टू कॉलेज में हो, सो कंपनीज डायरेक्टली विजिट योर कैंपस, आपके कैंपस पे आएंगी, आपका एक ऑनलाइन टेस्ट लेंगे, टेस्ट लेने के बाद आपके इंटरव्यूज लेंगे, सारा प्रोसेस कैंपस पे ही हो रहा होगा, आपके कॉलेज में ही हो रहा होगा, तो उसको हम बोलते हैं ऑन कैंपस। अगर आपको जाके सामने से किसी कंपनी को अप्रोच करना पड़ रहा है दैट इज़ ऑफ कैंपस, जिसमें कॉलेज आपकी कोई मदद या सहायता नहीं कर रहा हो, उसको हम ऑफ कैंपस बोलते हैं। अब जनरली टीयर टू टीयर थ्री कॉलेज में अगर कंपनीज आती भी हैं तो या तो वो बहुत कम पैकेज के साथ आती हैं एंड मोस्टली जो बिग टेक कंपनीज हैं वो नहीं आती हैं, सो उसको कैसे बीट करें, हम क्या करते हैं ऑफ कैंपस के लिए अप्लाई करते हैं एंड उससे हम वो वाली प्रॉब्लम को बीट कर सकते हैं। अब DSE की प्रैक्टिस करने के लिए algoprep 151 वाली शीट हमने रिसेंटली बनाई थी, वो वाली वीडियो भी आपको आई बटन में आ रही होगी, वो देख सकते हो, शीट का लिंक भी मिल जाएगा, जाके उस शीट को देख लेना, उस पर से आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। जब भी आप ऑन कैंपस ऑफ कैंपस के लिए अप्लाई करो उससे पहले एक बार 151 क्वेश्चंस कर लेना, उसमें सारे आपके टॉपिक्स के क्वेश्चंस हैं, उससे रिवीजन आपकी बहुत अच्छी हो जाएगी एंड आपको समझ आ जाएगा कैसे सारी चीज़ें करनी है। सो बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो। अब मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ वो ऐसे 5 तरीके जिससे आप किसी भी कंपनी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। वो सब बताने से पहले आई एम हैविंग माय नेक्स्ट लेवल टॉक ऑन दिस कमिंग वेंसडे 9 PM 26 जुलाई को हम करने वाले हैं, उसमें यही सारी चीज़ें डिटेल में डिस्कस करने वाला हूँ, आपके जो भी क्वेश्चन होंगे वो सारे मैं लाइव सॉल्व करूंगा, आपके साथ लाइव आके बातें करूंगा, सो इट विल बी ऑन नेक्स्ट लेवल ऐप, ठीक है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हम इसमें काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं, अगर आप BSc BCA या फिर किसी और बैकग्राउंड से हैं, अगर आपको फिर टेक में जाना है तो कैसे आप कर सकते हैं, अगर आपको बिग टेक कंपनीज को क्रैक करना है तो रेज्यूमे में क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं एंड और भी काफ़ी सारी इंटरेस्टिंग चीज़ों के बारे में एंड जो नेसेसरी चीज़ें उनके बारे में बात करने वाले हैं। सो डेफिनेटली रजिस्टर फॉर द नेक्स्ट लेवल टॉक, उसका लिंक जो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब जल्दी से फर्स्ट चीज़ पे आ जाते हैं। सो जो फर्स्ट वे टू अप्लाई ऑफ कैंपस वो है बाय अ रेफरल। अब वो रेफरल आप कैसे ले सकते हैं, अगर आप किसी कॉलेज सोसाइटी में थे, आप कॉलेज में बहुत ज़्यादा एक्टिव थे, आपके सीनियर्स बहुत दोस्त थे जो अच्छी अच्छी कंपनीज में भी प्लेस्ड हैं, तो आपको क्या करना है, बस जाना है, उनको बोलना है यार मेरे को रेफरल दे दो, ये वाली जॉब ओपनिंग है, यहाँ पे ये वाला मेरा रेज्यूम है, तो इसको आप दे दो। अब जनरली लोग कर देते हैं बिकॉज दे हैव बीन वर्किंग विद यू, दे नो यू, ठीक है। सो अगर आप डायरेक्ट किसी इमीडिएट सीनियर को या फैमिली मेंबर को जानते हो देन तो वेल एंड गुड, तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, जाओ सीधा अप्लाई करो एंड अगर आपका रेज्यूम अच्छा है, अगर आपने प्रोजेक्ट्स अच्छे किए हुए हैं एंड इसके अलावा अगर आप DSA आपने बहुत अच्छे से किया हो तो आपको बहुत प्यार से वो अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी एंड उसके बाद आप इंटरव्यूज क्रैक कर लोगे। अब प्रॉब्लम वहाँ आती है इफ़ यू आर नॉट फ्रॉम अ गुड कॉलेज, सो हो सकता है आपके ज़्यादातर सीनियर्स हो ही ना अच्छी कंपनीज में, तो आप जानते ना हो किसी को जिसके थ्रू आप अप्लाई कर सकते हो। सो इस केस में क्या करना है, जो हमने लिंक्डइन प्रोफाइल की बात करी थी, हम लिंक्डइन प्रोफाइल पे लोगों के साथ कनेक्ट करते रहेंगे हर टाइम, ठीक है। हम 5 से 10 रिक्वेस्ट भेजेंगे टू द पीपल हु आर वर्किंग इन दीज कंपनीज, चाहे वो रिक्रूटर्स हो, चाहे वो इंजीनियरिंग मैनेजर्स हो, चाहे वो आपके सीनियर्स हो,
उससे क्या होगा जब भी आपको रेफरल की जरूरत पड़ेगी, कैन लाइक सेंड अ मैसेज लाइक LinkedIn पे आप DM भेज दोगे उन्हें, 10 लोगों को सेम मैसेज भेजोगे, कोई एक ना एक आपको रेफरल पक्का पक्का दे देगा। एंड जब भी आप किसी को कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजो LinkedIn पे, साथ में ना एक नोट ऐड कर दिया करो। उससे क्या होता है, दूसरे की प्रोफाइल में जब वो चेक कर रहे होते हैं ना, कनेक्शन तो अलग से दिख जाता है। उससे क्या होता है, जो एक्सेप्टेंस के चांसेस होते हैं वो ज्यादा हो जाते हैं। अगर बस नॉर्मल आप सेंड करते हो तो कई बार ना बहुत सारे लोगों को काफी सारे रिक्वेस्ट आते रहते हैं, तो स्किप हो सकता है। बट इफ यू ऐड अ पर्सनलाइज नोट, उससे बहुत जल्दी आपको लाइक कन्वर्जन के चांसेस आपके बढ़ जाते हैं। सो जो सेकंड तरीका है, उसमें हमें क्या करना है, करियर पोर्टल पे जाना है इन कंपनीज के, जिस भी कंपनी में हमें अप्लाई करना है, चाहे वो गोल्डमैन सैक्स हो, चाहे वो गूगल हो, चाहे वो माइक्रोसॉफ्ट हो, चाहे वो अमेज़न हो, चाहे वो एटलासियन हो, सबका अपना करियर्स वाला प्लेटफॉर्म होता है, करियर्स वाला पेज होता है उनकी वेबसाइट पे, जिस पे जाके हमें पता चल जाता है कौन सी ओपन पोजीशन सभी अवेलेबल है। अब आपको ओपन पोजीशन मिल गई है तो आप डायरेक्टली अप्लाई कर दो। अगर आप जानते किसी को तो आप रेफरल ले सकते हो, वो एक आपको एडेड बोनस मिल जाता है। अगर आप नहीं भी लेते हो तो काफी ज्यादा चांसेस होते हैं कि आपको कॉल बैक आ जाएगा अगर आपका रेज्यूमे काफी अच्छा है एंड जो आप प्रोफाइल के लिए अप्लाई कर रहे हो दैट सूट्स विद योर रेज्यूमे। थर्ड वे है, थोड़ा सा अनएथिकल साउंड कर सकता है, बट अगर आपके किसी फ्रेंड ने भी रिसेंटली किसी कंपनी में अप्लाई किया है, सो ही और शी विल बी डायरेक्टली इन कॉन्टैक्ट विद रिक्रूटर्स। सो डायरेक्ट या तो आप अपने फ्रेंड के थ्रू पिच करवा सकते हो कि आई हैव अ फ्रेंड जो एक्स वाई जेड कंपनी में है एंड दे आर लुकिंग फॉर अ स्विच, और यू कैन डायरेक्टली कॉन्टैक्ट द रिक्रूटर। वो कैसे, आप उनकी ईमेल आईडी ले सकते हो, आप उनका फोन नंबर मांग सकते हो। ऐसे स्पैम नहीं करना है कि भाई दिन के 50 ईमेल भेज रहे हो, उनको तंग कर रहे हो। यू कैन जस्ट ड्रॉप अ ईमेल कि आई एम लुकिंग फॉर दिस रोल एंड एक्स वाई जेड इज माई एक्सपीरियंस, एंड उनको एक अच्छा सा ईमेल ड्राफ्ट करके भेज दिया। सो काफ़ी सारी वेबसाइट्स होती है, काफ़ी सारे लाइक पोर्टल्स होते हैं जिन पे जाके आप LinkedIn प्रोफाइल लाइक सर्च करके आप उनके कॉन्टैक्ट डिटेल्स ले सकते हैं। रॉकेट रीच इज वन ऑफ दोज प्लेटफॉर्म्स, अगर उन्होंने पब्लिकली कहीं पर भी डाल रखा है, सो यू कैन फाइंड देयर ईमेल आईडी फ्रॉम देयर। अब ईमेल आईडी आपको मिल जाएगी, ईमेल आईडी मिलने के बाद क्या करना है, अब ईमेल करने के लिए एक अच्छा सा ईमेल ड्राफ्ट करना है, थोड़ा सब्जेक्ट लाइन अच्छी होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि भाई बस लुकिंग फॉर अ जॉब चेंज लिख के भेज दिया एंड अंदर कुछ भी नहीं, बस रेज्यूमे डाल दिया। अच्छे से एक्सप्लेन करो, अच्छे से बताओ कि क्या आपको क्या अपॉर्चुनिटी चाहिए, किस चीज़ के लिए आप कर रहे हो, आपका क्या एक्सपीरियंस है, एंड देन सेंड दैट ईमेल आउट। अगर अर्ली स्टेज स्टार्टअप है तो CTO, CEO इन सब लोगों को भेज सकते हो। अगर बहुत बड़ी कंपनी है तो आप लाइक रिक्रूटर्स ढूंढ सकते हो जो एक्चुअली हायर कर रहे हो, उनको आप सेंड कर सकते हो। एंड इस तरीके से दिस इज द लाइक थर्ड वे जिसके थ्रू आप और जॉब अपॉर्चुनिटीज ग्रैब कर सकते हो। फोर्थ और फाइनल जो बहुत ज्यादा क्लासिक वे है, अब इसमें आपके ना बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, जैसे थर्ड पार्टी बहुत सारी वेबसाइट्स होती हैं, जैसे naukri.com है जहां पे आप जाके जॉब अपॉर्चुनिटी सर्च कर सकते हो। यहाँ पे बहुत सारी कंपनीज अपनी जॉब्स को ना लिस्ट करते हैं। इसके अलावा बहुत सारे और पोर्टल्स भी हैं जिन पे आप जाके ये सारी सेम चीजें कर सकते हो। इसके बारे में मैंने एक पहले वीडियो बनाई थी, मैंने 5 से 10 आपको ऐसी वेबसाइट्स बता दी थी जिनके थ्रू आप लाइक ऑफ कैंपस अप्लाई कर सकते हो, वो आप डेफिनेटली चेकआउट कर सकते हो, उसमें ज्यादा डिटेल में मैंने बताया हुआ है। इसके अलावा बहुत सारी हैकाथॉन्स होती रहते हैं, हायरिंग चैलेंजेस होते रहते हैं, चाहे वो गीक्स फॉर गीक्स पे हो, चाहे वो हैकर रैंक पे हो, हैकर अर्थ पे हो, तो वहां जाके जरूर पार्टिसिपेट करो इफ यू आर लुकिंग फॉर जॉब्स, क्योंकि अगर वहां पे आप जीतते हो तो यू गेट अ डायरेक्ट PPO PPI वाली अपॉर्चुनिटी, डायरेक्ट आपको प्री प्लेसमेंट ऑफर भी मिल सकता है एंड इंटरव्यू भी मिल सकता है। उससे क्या होता है, आप आउटशाइन कर जाते हो अगर आप उस कॉन्टेस्ट में अच्छा परफॉर्म करते हो तो डायरेक्टली, तो रिक्रूटर्स की नजरों में आना काफी ज्यादा ईजी हो जाता है। सो दिस वॉज द फोर्थ एंड द फाइनल वे। इन चारों वेज को आप कंबाइन करके भी अप्लाई कर सकते हो, एंड ये भी नहीं करना है कि यार बस 5 कंपनीज में अप्लाई कर दी और बैठ गए कि भाई मेरा तो हो गया, बस मैंने इन सब में मेरी ड्रीम कंपनीज थी इनमें अप्लाई करना है। नहीं, मैंने इतने सारे लोगों के साथ बात करिए, पॉडकास्ट करें, सो सब यही बोलते हैं कि यू शुड अप्लाई टू 50-100 कंपनीज एंड कहीं ना कहीं से तो आपको लाइक कॉल बैक या फिर अपॉर्चुनिटी जरूर मिल ही जाती है। ऐसे नहीं करना है बस मेरे को 10 ही कंपनी यही मेरी टारगेट है, बस इन्हीं में जाना है, इसके अलावा मैं तो कहीं जाऊंगा ही नहीं एंड इसके अलावा मैं कहीं अप्लाई भी नहीं करूंगा, ऐसा नहीं करना। ठीक है, आप जितनी भी कंपनीज में अप्लाई कर सकते हो, जितनी भी पोजिशन पर अप्लाई कर सकते हो करना है, एंड बस ध्यान रखना है कि जिस पोजीशन के लिए आप अप्लाई कर रहे हो उस जॉब डिस्क्रिप्शन में या फिर उस एक्सपीरियंस लेवल के लिए आप सूटेबल हो। नहीं तो कई बार ऐसा होता है कि हम क्या करते हैं, बस अप्लाई कर देते हैं बिना सोचे समझे। अब कई ओपनिंग्स आती हैं जिनमें सॉफ्टवेयर इंजीनियर लिखा होता है बट नीचे जाके लिखा होता है कि उसमें 5 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, 4 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। बींग अ फ्रेशर हम बस सॉफ्टवेयर इंजीनियर 1 देखते हैं, हम अप्लाई कर देते हैं। सो कंपनीज कई बार बाइफरकेट नहीं करती SD1, SD2, SD3, बस वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर बोलती हैं, तो ऐसी जगहों पर कंफ्यूज नहीं होना है। जाके डेफिनेटली सारी डिटेल्स चेक करनी होती हैं जब भी आप कहीं अप्लाई कर रहे हो या जब भी आप रेफरल मांग रहे हो, क्योंकि अगर आप बार बार अपॉर्चुनिटी देखते ही बस रेफरल मांगना शुरू करोगे लोगों से, सो दे विल गेट पेस्ड आफ्टर सम टाइम, राइट। अगर आप उनको बार बार SD1 SD2 की जॉब ओपनिंग्स दे रहे हो जो आपके लिए रेलेवेंट ही नहीं है, जिनमें वो आपको लाइक रेफरल दे ही नहीं सकते, तो एक पॉइंट के बाद दिल भी लाइक यार तंग करता रहता है, इससे बात ही मत करो। ठीक है, सो जब आपको लगे कि हाँ दिस इज द जॉब अपॉर्चुनिटी फॉर मी एंड ये परफेक्ट है मेरे लिए एंड यहाँ पे एक्सपीरियंस जो चाहिए वो भी परफेक्ट है, जो मतलब मेरा एक्सपीरियंस है, देन वी शुड लाइक गो अहेड एंड उसके बाद ये हमें करना चाहिए।
अब नेक्स्ट थिंग, हमने लिंक्डइन प्रोफाइल की तो बात कर ली। लिंक्डइन प्रोफाइल पे हमें पोस्ट डालते रहना चाहिए जब भी हम कोई अच्छा प्रोजेक्ट बनाते हैं, जब भी हम कोई अचीवमेंट हमें लाइक मिलती है, जैसे अगर हमने कोई हैकाथॉन जीती तो हैकाथॉन वाला पोस्ट डाल दिया। ऐसा नहीं करना है कि कुछ भी हम रोज डालते जा रहे हैं, जब कोई अचीवमेंट आप कर रहे हो तो ही उनको ऐड करो, अपने एक्सपीरियंसेस को ऐड करते रहो। अगर आप किसी कोडिंग सोसाइटी क्लब में हो, किसी भी क्लब में हो कॉलेज के, उसको ऐड कर दो। आपने कहीं पे भी इंटर्नशिप करी है तो इंटर्नशिप का एक्सपीरियंस डालना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, ताकि लोगों को पता चले आपने रिलेवेंट फील्ड में काम किया हुआ है। सिमिलर इज द केस विद रेज्यूमे। जो सेकंड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है वो रेज्यूमे है। तो मैं एक अपना सैंपल तो यहाँ पे डाल दूंगा। इस PDF को डॉक को आप यूज कर सकते हैं, इस पे अपना रेज्यूमे बिल्ड कर सकते हैं। सबसे स्टार्टिंग अपना नाम, ईमेल एड्रेस, लिंक्डइन प्रोफाइल, ये सारी चीजें डालनी होती है। इसके बाद आपको अपना एजुकेशन बैकग्राउंड डालना होता है, अगर आप फ्रेशर हैं तो, कि आपके कॉलेज में कितनी CGPA अभी एग्रीगेट बन रही है। अपने 11th 12th का डाल सकते हैं, इट्स नॉट दैट इंपॉर्टेंट। अगर बस 12th का भी डालोगे तो भी चल जाएगा। लोग जनरली रेज्यूमे फिल करने के लिए करते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीजें कॉलेज में की नहीं होती है। ये डालने के बाद नेक्स्ट चीज, यू कैन ऐड एक्सपीरियंसेस। अगर आपने कहीं पे इंटर्नशिप करी है तो इंटर्नशिप एक्सपीरियंस आप ऐड कर दो। इंटर्नशिप एक्सपीरियंस ऐड करने के बाद नेक्स्ट जो होता है स्किल्स होता है, ठीक है। इंटर्नशिप एक्सपीरियंस और स्किल ऊपर नीचे आप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्किल्स में आपकी लैंग्वेजेस वगैरह आ जाती हैं, फ्रेमवर्क्स आ जाते हैं जिन चीज़ों पर आपने काम किया हो। एंड इसके बाद आपका आता है प्रोजेक्ट्स। प्रोजेक्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मिनिमम आपको 3 प्रोजेक्ट्स तो चाहिए ही चाहिए। 3 प्रोजेक्ट्स आप बनाओ। एक प्रोजेक्ट बहुत बढ़िया होना चाहिए जिसके बारे में आप 10-20 मिनट आराम से बात कर सको, एंड उसके बारे में जनरली रिक्रूटर्स भी बात करते हैं। जनरली जो हायरिंग मैनेजर्स होते हैं, फिर जो आपके इंटरव्यूअर्स होते हैं, वो सारे बात कर रहे होते हैं। सो वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये करने के बाद, इसके बाद अगर आपके पास फिर भी स्पेस बच जाती है, तो आप एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ का एक सेक्शन बना सकते हैं, एंड अचीवमेंट्स का बना सकते हैं। अचीवमेंट्स का बनाना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड उसके बाद अगर आपके पास फिर भी स्पेस बच जाती है, सो अगर आप किसी क्लब के प्रेसिडेंट हो, किसी क्लब में आप काम कर रहे हो, कुछ और आपने एक्टिविटीज़ करी हो, तो वो सारी डाल सकते हैं। बट दिस लास्ट सेक्शन इज ऑप्शनल। अगर नहीं है तो इतना कुछ फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज यू आर अप्लाइंग फॉर अ टेक जॉब। सो आपके टेक रिलेवेंट स्किल्स ज़्यादा यहाँ पे आउटशाइन करते हैं रादर देन नॉन टेक वाले स्किल्स। सो दिस विल बी अ बेसिक टेम्पलेट, ठीक है। मैं अपना टेम्पलेट तो यहाँ पे ऐड कर ही दूंगा, जिसको आप यूज कर सकते हैं। इसके साथ साथ ये सारी चीज़ें आपको डालनी होती हैं। कीवर्ड्स को हाईलाइट करना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, एंड कीवर्ड्स डालना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। जैसे आपने किसी भी XYZ फ्रेमवर्क पे, लैंग्वेज पे काम किया, तो वो डालना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैट्रिक्स डालना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रेज्यूमे पे एक अलग से वीडियो बनाएंगे जिसमें हम ये सारी चीज़ें डिटेल में डिस्कस करेंगे, बट दिस इज द बेसिक आइडिया, ठीक है। सो आई होप इस वाली वीडियो से आप लोगों की काफ़ी ज़्यादा हेल्प हुई होगी। अगर आप अभी ऑन कैंपस बैठ रहे हैं, थोड़े से होपलेस हो गए हैं बिकॉज आपकी जॉब नहीं लग पा रही है, या फिर आप इतने ज़्यादा अच्छे से प्रिपेयर्ड नहीं है, सो ऑफ कैंपस आएगा अक्टूबर नवंबर दिसंबर में, या फिर आप ये वीडियो ही अक्टूबर नवंबर दिसंबर में देख रहे हैं, सो दीज आर द थिंग्स विच यू नीड टू फोकस ऑन। एंड अगर ये सारी चीज़ें अच्छे से कर लेते हो तो मतलब जॉब अपने आप लग ही जाएगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक जरूर कर देना यार, सब्सक्राइब कर लेना चैनल को अब तक नहीं किया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए।